Former Maharashtra Chief Minister, Mr. Devendra Fadnavis, joins us on the broadcast. Mr. Fadnavis, thank you so much for speaking to us. I want to begin by asking you, sir, high political drama unfolding there in the state of Maharashtra. Yesterday, Mr. Sanjay Raut talked about how Indira Gandhi, the former Prime Minister from the Congress, used to meet Karim Lala and Underworld Dawn. Today, he was forced to retract the statement, withdraw it. Sir, what does it tell you about the alliance partners there? Of course, you're watching them very closely. देखिए उन्होंने स्टेटमेंट जरूर विड्रॉ किया है लेकिन इसको डिनाय कहाँ किया है ही हैज नॉट डिनाइड द स्टेटमेंट स्टेटमेंट विड्रॉ करते समय उन्होंने जो बड़े बड़े बातें कही थी कि इंदिरा जी करीम लाला को मिलती थी दाऊद सरकार चलाता था और जब क्रिमिनल्स मंत्रालय में आते थे तो सेलिब्रिटी जैसे उनका स्वागत होता था मुंबई के सीपी जो है उनको अपॉइंट अंडरवर्ल्ड करता था इतनी सारी चीजें उन्होंने कही है अब ये तो ठीक है कि सत्ता चलाने के लिए उनको उसमें से रिट्रैक्ट होना पड़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि पर सफाई तो देनी पड़ेगी और कोई तो गलत होगा या तो संजय राउत गलत होंगे तो उन्होंने बताना चाहिए कि भाई मैंने गलती की और ये सारी चीजें मैंने मनगढ़ंत कही या फिर कांग्रेस पार्टी ने सफाई देनी चाहिए और कहना चाहिए कि संजय राउत गलत है और मतलब उसके बारे में उनको पूछना चाहिए या माफी मांगने की उनसे दरखास्त करनी चाहिए तो कुल मिलाकर ये जो दिखाई पड़ रहा है जिस प्रकार से क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स ये बिल्कुल इट्स गेटिंग एविडेंट और ऐसे समय मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे संजय राउत हो ये दोनों की सफाई ये पर्याप्त नहीं है इन्होंने पर्याप्त सफाई दी नहीं है और इसलिए ये इश्यू 100% लाइव है ओके 100% लाइव है पर सवाल ये है फडणवीस जी यहाँ पर कि बहुत लोगों को ये लग रहा है कि ऑफ कोर्स वो सच्चाई बयान कर रहे थे देयर आर पिक्चर्स ऑफ द मीटिंग बिटवीन इंदिरा गांधी एंड करीम लाला तो वो सच ही कह रहे थे पर सच कहने के लिए भी उन्हें अंदर से इंटरनली ना उद्धव ठाकरे का सपोर्ट मिला ना पार्टी की सपोर्ट मिली एंड ही हैड टू विदड्रॉ हिज स्टेटमेंट दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन दीज अलायंस पार्टनर्स देयर देखिए जहां तक शिवसेना का सवाल है तो हमारे साथी वो रहे हैं बहुत सालों से हम उनको जानते हैं और कितनी स्ट्रांग पोजीशन शिवसेना हमेशा लेती रही इन मामलों पर ये हमने देखा है विशेष रूप से जिस समय स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे जी जीवित थे उस समय ऐसे मामलों में उनके रिएक्शन कितनी शार्प होती थी ये हमने देखा है लेकिन अभी ये बहुत ही दुर्दैव है कि इतने ऐसे मामलों पर भी केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए शिवसेना को चुप बैठना पड़ता है बैकट्रैक होना पड़ता है सच्चाई वो बयान नहीं कर सकते एक प्रकार से शिवसेना ये केवल सरकार का चेहरा है रिमोट कभी मुंबई में है कभी दिल्ली में है कभी एनसीपी में है कभी कांग्रेस में है इस प्रकार की यह सरकार चल रही है अगर हम देखें तो जिस आइडियोलॉजी को स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे जी ने प्रोपोगेट किया था उस आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से केवल सत्ता के लिए शिवसेना दूर जाते दिखाई पड़ रही है ये मैं ऐसा मानता हूँ इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड सो आई वांट टू आस्क यू आई मीन हु इज रियली रनिंग द गवर्नमेंट देयर मिस्टर फडणवीस इज इट शरद पवार और इज इट सोनिया गांधी फ्रॉम हियर इन दिल्ली देखिए मैं तो ऐसा कहूंगा गॉड ओनली नोज क्योंकि इस सरकार में कौन सरकार चला रहा है ये समझ में नहीं आता सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव जी है वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव है पवार साहब रोज एक स्टेटमेंट देते हैं और मानो ऐसा लगता है कि पवार साहब ही सरकार चला रहे सरकार कोई निर्णय करती है तो दिल्ली से वेटो आता है आपने देखा होगा सावरकर जी जैसा मुद्दा जो शिवसेना के दिल के पास रहा है सावरकर जी के बारे में इतनी भद्दी भद्दी बातें कांग्रेस पार्टी ने कही एक किताब पब्लिश की लेकिन उसके ऊपर भी दिल्ली से जैसे आदेश आ गया तो शिवसेना को चुप बैठना पड़ा शिवसेना उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाई अभी 25 30 40 सालों में आपने भी एज अ जर्नलिस्ट शिवसेना को देखा होगा तो सावरकर जी के मुद्दे पर शिवसेना कितनी आक्रामक होती थी ये हमने देखा है लेकिन अभी उनको शांत बैठना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि कभी सरकार दिल्ली से चलती है कभी पवार साहब के यहाँ से चलती है कभी कहीं और से चलती है कभी तीसरा ही कोई उसको चला रहा है तो ये अगर आप मुझे पूछेंगे सरकार कौन चला रहा है तो मेरे सामने भी असमंजस है कि ये कौन चला रहा है मैं क्या बताऊं
ये तो कोई महाराष्ट्र में भी नहीं समझ पा रहा कि सरकार किसकी है। मिस्टर फडणवीस, आपने ये मुद्दा उठाया कि इतने फ्लिप फ्लॉप और यू टर्न कर रहे हैं। सबसे पहले सीएए में इतनी अलग अलग स्टैंड्स ली उद्धव ठाकरे ने, देन ऑन द इश्यू ऑफ सावरकर, नाउ ऑन द इश्यू ऑफ इंदिरा गांधी, ऑल ऑफ दीज यू नो चेंजेस इन द स्टैंड दैट द शिवसेना टेक्स, डज इट एक्चुअली टेल यू दैट द शिवसेना हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड ओनली टू अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ इट्स अलायंस पार्टनर्स द कांग्रेस एंड द एनसीपी? डज इट टेल यू दैट? नहीं, नजर तो यही बात आ रही है। और देखिए, हमको इसका दुख भी है। देखिए, आज अगर हम और शिवसेना अलग भी हुए हैं तो 25 साल तक हम दोस्त रहे और हमने एक गरजने वाली शिवसेना देखी है। हमने एक ऐसी शिवसेना देखी है कि जो एटलीस्ट नेशनलिस्टिक इश्यूज के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, और अब एक शिवसेना हम देख रहे हैं कि जिसको हर पल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, और कभी इधर से आदेश आता है तो चुप बैठना पड़ता है, कभी उधर से आदेश आता है तो चुप बैठना पड़ता है। और जैसा आपने सही कहा, सीए के ऊपर हमने देखा, जब सीए भी आया तो लोकसभा में आप मतदान करते हो और राज्यसभा में नहीं करते हो। तो मुझे लगता है एक प्रकार से जिस प्रकार की ये सारी परिस्थितियां है, मैं मानता नहीं हूं कि मन से यह सारी चीजें शिवसेना कर रही है, लेकिन हो तो रहा है, उनको करना तो पड़ रहा है, क्योंकि सत्ता में आए हैं तो सत्ता को तो टिकाना है, और सत्ता को टिकाना है तो आइडियोलॉजी हो, विचार हो, कार्यप्रणाली हो, सभी में कॉम्प्रोमाइज वो कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्रोमाइज तो दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए जैसा आपने कहा, पपेट शब्द सही है कि नहीं है मैं तो नहीं कहूंगा, पर परिस्थितियां तो वही दिख रही है। Mr. Fadnavis, we have reliably learnt now that it was Mr. Sharad Pawar who made a phone call to Sanjay Raut and asked him to withdraw the statement, and so Sanjay Raut had to do it. So basically, Uddhav Thackeray ki to koi control hai hi nahi cheezo ke upar. Dekhiye, abhi Sanjay Raut ji ye Shiv Sena ke neta hai, Shiv Sena ke MP hai, aur Uddhav ji Shiv Sena ke party president hai, paksh pramukh hai, और मुख्यमंत्री भी है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये तो लगातार बात हमने देखी है कि संजय राउत जी ये शरद पवार जी कहते हैं वही सारी चीजें करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई नई बात नहीं, अगर पवार साहब का फोन गया होगा तो एक मिनट में उन्होंने रिट्रैक्ट किया होगा, क्योंकि वो तो पवार साहब से भी आदेश लेते रहते, उन्होंने तो अपने बयानों में भी कहा है, अपने इंटरव्यूज में भी कहा है। Right, so control with Mr. Sharad Pawar. Mr. Fadnavis, there was this incident that happened yesterday in Madhya Pradesh, a government-run school in Madhya Pradesh. The principal of that school has been sacked because an NGO came to that school and distributed notebooks that had the picture of Savarkar on top of it. And that was the reason why the principal was dismissed. How do you read this particular incident? Dekhiye, Congress party देशभक्तों का अपमान करने में कहीं पर भी कसर नहीं छोड़ रही। मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति देशभक्तों के बारे में चल रही है, भारत की जनता इनको कभी भी माफ नहीं करेगी। और देखिए, आप किताबों में से सावरकर जी को निकाल सकते हैं, कवर पर से सावरकर जी को निकाल सकते हैं, लेकिन अंडमान की दीवारों में उनकी जो आवाज है उसको कोई निकाल नहीं सकता। सेलुलर जेल में जो अत्याचार उन्होंने सहन किए उसकी जो आवाज है वो कोई नहीं निकाल सकता। और भारत के जन जन के मन मन में सावरकर जी जो बसे हैं उनको वहां से कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए ऊंची हरकतें करना कांग्रेस पार्टी बंद कर दे, ऐसा मेरा मतलब। ऑलराइट मिस्टर फडणवीस, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, यू नो शिवसेना इज अ पार्टी दैट ऑलवेज यूज्ड टू टॉक अबाउट मराठा प्राइड। जब बाला साहब थे तो उनके मुंह से जो बातें निकल जाती थी पत्थर की लकीर बन जाती थी, पर यहां शिवसेना आज कुछ कहती है कल कुछ कहती है, विड्रॉ करना पड़ता है, यू टर्न करना पड़ता है। आपको लगता है व्हेन इट कम्स टू मराठा प्राइड दे हैव टोटली सरेंडर्ड एंड कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड विद द मराठा प्राइड? देखिए, कोई भी प्राइड मुझे दिखाई नहीं पड़ता। आज की परिस्थिति ऐसी है कि केवल सत्ता की राजनीति वो कर रहे हैं, और सत्ता की राजनीति के लिए किसी भी स्तर पर जाकर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अभी तक जो अभिमान था, स्वाभिमान था, प्राइड था, ये सारी चीज़ें अभी हिस्ट्री हो गई है, भूतकाल हो गया है। अब तो केवल सत्ता है, और इस प्रकार की बातें जब वो करते हैं जिसमें उनका स्वाभिमान भी नीचा दिखाई पड़ता है, उसके पीछे भी कोई फिलॉसफी खड़ी कर रहे हैं, उसके पीछे भी तत्वज्ञान खड़ा कर रहे हैं, तो ये अभी सत्ता के लिए किसी भी स्तर का कॉम्प्रोमाइज ये कर रहे हैं, करने वाले हैं।
और इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये प्राइड वाड़ी की बातें बंद कर देनी चाहिए. ऑल राइट मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस.